गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग जा रहे हैं बंगला साहेब। अभी मैं हूँ दिल्ली में, जो आपने देखा पहले का वीडियो। तो अभी सुबह के लगभग 7-8 बज रहे होंगे, तो थोड़ा सा धूप निकल गया। अभी निकलते हैं यहाँ से और आपको भी दिखाते। निकलते निकलते हमें थोड़ा सा टाइम लग गया और धूप निकल गया, तो गर्मी बहुत हो रहा है। हम लोग जिस होटल में रह रहे हैं वो बंगला साहेब से नज़दीक है, तो 1.5-2 किलोमीटर के आसपास ही पड़ता है। तो अभी हम लोग चले जाते हैं और 12 बजे हमें ये होटल चेकआउट करना है। मैं अभी 2 दिन हूँ यहाँ पे, एक आज और कल। तो आज और कल में जितना एक्सप्लोर हो सकता है, कवर हो सकता है, मैं करूँगा। सिग्नल पे रुके हुए हम लोग। आपको कहीं भी किसी का लोकेशन अगर जाना हो तो गूगल मैप सबसे बेस्ट है, वहाँ तक जहाँ तक आपका इंटरनेट चल रहा है। आप लद्दाख चले जाओगे तो वहाँ पे तो इंटरनेट चलेगा नहीं, तो जाओगे कैसे। लेकिन ऐसे सिटी में तो मैप बहुत ही संजीवनी बूटी है हमारे लिए। चलो ग्रीन हो गया सिग्नल, अब निकलते। अच्छा पहुंच गए हम लोग। अभी देखते हैं कि बाइक कहाँ पार्क करना है और अंदर शूट करने देंगे या फिर फोटो वोटो खींचने देंगे कि नहीं देंगे, पता नहीं। तो पहले हम लोग देख लेते, फिर आपको भी बताते कि क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। अभी तो सिग्नल रेड है तो रुकना पड़ेगा। अरे जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है होड़ मच जाता है। अबे वो नो वीडियोग्राफी लिखा हुआ है। हाँ खोल लेते फिर। गुरुद्वारे में माथा टेक लिया, अब यहाँ से निकलते हैं। ऊपर कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करने दिया जाता है अंदर में, खैर वो तो हर मंदिर में भी नहीं दिया जाता है। अभी पार्किंग है ये, यहाँ से निकलते हैं। बैठ, आजा बैठ। चलो बंगला साहेब का दर्शन हो गया। अब यहाँ से पहले रूम जाते हैं और हमें होटल चेंज करना है, क्योंकि एक होटल से चेक आउट करके दूसरे होटल में जाना है, दूसरे जगह है वो, तो उसमें भी 1 घंटा लगेगा। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, तो खैर इसमें अभी नहीं जा पाऊंगा मैं, अगली बार आया तो फिर जाऊंगा। और टाइम लगभग 10:30-11 बज रहा है, तो हमें 12 बजे चेकआउट करके दूसरे होटल में चेक इन करना है, और वो थोड़ा सा दूर है तो 1-1.5 घंटा उसमें लगेगा। उसके बाद फिर हम अगले डेस्टिनेशन पे जाएंगे। गुरुद्वारा से आने के बाद होटल चेंज कर लिया हमने और ये करोल बाग में होटल लिया, और यहाँ से हमें थोड़ा शॉपिंग करना है। राइडिंग जैकेट लेना मुझे, तो वो यहाँ से नज़दीक पड़ेगा, और यहाँ के आसपास और थोड़ा बहुत घूमना है तो वो भी घूमेंगे, और कल यहाँ से निकल जाऊँगा मैं कल शाम तक। तो अभी चलते, पहले राइडिंग जैकेट लेना है, और रेनॉक्स का मिल गया तो अच्छा है, और कोई दूसरा भी मिल गया तो देखते हैं, अच्छे बजट में मिल जाए सही से। लेवल 2 प्रोटेक्शन चाहिए और देखते बस। नेट पे सर्च करने से सबसे पहले इसी शॉप का वो आता है, तो ये करोल बाग में चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स, तो यहाँ से जैकेट ले रहा हूँ मैं, अभी देखता हूँ
दो तीन ट्राई कर रहा हूँ और कौन सा लेना है वो डिसाइड करते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे देखो ये सारे जिसने जैकेट खरीदा यहाँ से सबने अपना अपना यूट्यूब का नाम लिखा यहाँ पे। वहां से जैकेट ले लिया और रूम आ गए। वहां बाहर बहुत गर्मी है तो अभी जैकेट दिखाता हूँ, मैं पहन के नहीं दिखाऊंगा, बाहर से दिखाता हूँ और जब पहनूंगा तो राइट पे देख ही लोगे। तो ये जैकेट देखो, दो चीज मैंने खरीदा है। ये HJG का एक लाइट है जो एक्सपल्स में लगे, ये थोड़ा महंगा है। और जैकेट ये रेनॉक्स का, ये है रेनॉक्स का अर्बन एक्स। तो ये मेरे को ब्लैक चाहिए था, ब्लैक था नहीं तो ग्रे ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटेक्शन लेवल 2 है इसमें लगा हुआ, चेस्ट में भी है और बैक में भी है, बाकी कंधे पे साइड में सब कुछ है। ये जब पहनूंगा तब देखना, बहुत अच्छा लगेगा। बाकी सब बढ़िया है, इस वीडियो के लिए यहीं तक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, खुदा हाफिज़।